प्रियंका सिंह 225 में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग को पता ही है कि सर्दी जम के आ चुकी है, हर जगह ठंडी बढ़ चुकी है और ठंडी से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हमारा स्किन त्वचा होती है। आपको पता ही है सर्दी में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई, रूखी और रफ हो जाती है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है हमारा स्किन पे, चेहरे का, क्योंकि वो बॉडी के तुलना में सबसे ज़्यादा सॉफ्ट होती है हमारे फेस पे। तो सबसे ज़्यादा डैमेज और सबसे ज़्यादा असर हमारे चेहरे पे ही पड़ता है। और कई लोगों की आदत होती है ना कि कोई भी फेस पे बस लगा लेना है, जानना नहीं है कि सर्दी में क्या लगाना है, गर्मी में क्या लगाना है, बस फेस पे अच्छा होता है आप लगा लिए। ऐसा नहीं होता है। सर्दी के लिए आप फेस पैक का चुनाव आप सोच समझ के करें, गलत चुनाव आपके स्किन के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर सर्दी के टाइम में फिलहाल सबके स्किन ड्राई और रूखे हो जाते हैं, उसमें आपको ऐसा फेस पैक चाहिए होता है जो आपके स्किन को क्लीन भी करे, स्मूथ भी करे और स्किन के जो डैमेज स्किन है, जो सर्दी से क्रैक हो चुके हैं, उसको रिपेयर भी करे। तो आज मैं एक ऐसा फेस पैक लेके आई हूँ जो आपके सर्दी के लिए बहुत बेस्ट है, जिनकी त्वचा बहुत ज़्यादा, जिनकी क्या, हर किसी की त्वचा ठंडी में रूखी हो जाती है, रफ हो जाती है और काली, हल्की काली भी पड़ जाती है, चेहरे की चमक चली जाती है, उन लोग के लिए ये बेस्ट है। ये हर स्किन टाइप के लोग लगा सकते हैं, जिनके स्किन ड्राई है, ऑयली है या नॉर्मल है, सबके लिए है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये आप रेगुलर भी यूज कर सकते हैं। तो इस पैक के लिए हमें क्या क्या चाहिए, चलिए देख लेते। इस पैक बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच यहाँ पे बेसन लिया है और इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच दूध की मलाई। इसमें मैं रोज वाटर में ये बंजारा का ऐड कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का आप रोज वाटर ले सकते हैं। अब इस फेस पैक को हमको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि तीनों इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह मिक्स हो जाए। हमारा फेस पैक रेडी हो चुका है। देखिए फेस पैक थोड़ा ठीक होना चाहिए, ज़्यादा लिक्विड रहेगा तो स्किन स्किन पे चिपके करें वो नीचे की तरफ आता है या आप कहीं भी तो डिस्टर्ब भी होता है। और जितना हमारे स्किन की ज़रूरत होती है स्किन पे, फेस पैक स्किन को पूरे तरह ढके रहे तो जल्दी अच्छा काम करता है। और लिक्विड रहने से क्या होता है, अच्छा कवर नहीं हो पाता है, चूता रहता है। तो आपका फेस पैक थोड़ा ठीक होना चाहिए। ओके, याद रहे फेस पैक करने के पहले आपकी स्किन क्लीन होनी चाहिए और फेस पैक अप्लाई करें 15 से 20 मिनट तक अपने फेस पे छोड़ दें। फेस पैक लगाए हैं उसके दौरान आपको ज़्यादा बात नहीं करना, ज़्यादा मूव नहीं करना, फेस को रिलैक्स मोशन में रखना है। उसके बाद इस फेस पैक में हमने बेसन ऐड किया है जो हमारे स्किन की जो गंदगी है ना, जो स्किन की गंदगी है और रफ स्किन, जो डैमेज स्किन जो चिपके हुए हैं हमारे फेस पे, वो उसको ये क्लीन करेगा। जब हम लोग फेस पैक लगाएंगे, जब हम इसको रब करेंगे हल्के हाथों से, तब ये पूरे गंदगी को ये ब्लीच करके निकालता है। रोज वाटर मैंने ऐड किया है जो हमारे स्किन को टोनिंग करता है और स्किन को टाइट करने में सहायता देता है। वहीं पर हमने यहाँ पे मलाई ऐड किया है जो हमारे स्किन की ड्राइनेस को और क्रैक स्किन जो होती है उसको स्मूथ करेगा, सॉफ्ट करेगा और सुंदर बनाएगा। और ये पैक जो सारे इंग्रेडिएंट्स जो ऐड होते हैं ना, तो स्किन को सुंदर, ब्राइटनेस और चमकदार बनाने में सहयोगी होते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज है या रुखी है तो आप इस फेस पैक को आप डेली भी लगाओ, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ बेनिफिट ही आपको मिलेगा। और हाँ, याद रहे अगर आप फेस पैक उतारते हैं उसके बाद आपको फेस वॉश या कुछ भी ऐसा नहीं लगाना है, उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सर्दियों में वो हमारी स्किन इतनी ड्राई होती है, जो मलाई के जितने भी ऑयल, जो घी होते हैं ना, वो स्किन अब्जॉर्ब कर लेता है कुछ टाइम के बाद। तो हाँ, जब आप फेस पैक उतार रहे हैं तब आपको स्किन पे ऑयली फील होगा कि बहुत ज़्यादा ऑयल चिपका हुआ है, बट थोड़ी देर के बाद वो स्किन में सेट हो जाता है। तो आप फेस पैक उतारने के बाद कोई भी फेस वॉश वगैरह ना करें। और फेस पैक अगर नाइट में सोने के कुछ देर पहले अप्लाई करते हैं तो ये ज़्यादा यूजफुल रहेगा। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रूखी, रफ और ड्राई हो गई है तो आप ये फेस पैक जरूर लगाएं, आपको राहत मिलेगी, आपको अच्छा भी लगेगा। और मेरे टिप्स आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए यूजफुल रहा हो, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।